ऑडियो 35। सच्चे मित्र बनाएं। सच्ची मित्रता कैसी हुआ करती है, इस संबंध में संस्कृत के नीति शास्त्र की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि राज द्वारे च अश्मशाने यो तिष्ठति सह बांधवः, अर्थात राजद्वार और अश्मशान घाट में जो साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होता है वही सच्चा मित्र हुआ करता है। यहाँ राजद्वार वास्तव में सुख संपत्ति का प्रतीक है और अश्मशान विपत्ति का। केवल सुख संपत्ति के दिनों में मौज मस्ती करके दुख विपत्ति पड़ने पर आंखें चुराकर मुंह फेर लेने वाले मित्रता के नाम पर कलंक है। मित्रता तो विशुद्ध हृदय की अभिव्यक्ति है, उसमें छल कपट या मोह भावना नहीं। जिसके हृदय में मैत्री भावना विराजमान होती है उसके हृदय में प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा आदि दैवी गुणों का विकास होता रहता है। जिसने मैत्री भावनाएं प्राप्त कर ली उसके लिए संसार परिवार हो गया। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, उनके पास अपने शरीर और उस पर पड़े हुए थोड़े से वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। किसी सज्जन ने उनसे पूछा, आपका अमेरिका में कोई संबंधी नहीं है, आपके पास धन भी नहीं है, वहाँ किस तरह निर्वाह करेंगे? रामतीर्थ ने आगंतुक की ओर देखकर कहा, मेरा एक मित्र है। वह कौन है, उस व्यक्ति ने पूछा। आप हैं वो मित्र जिनके यहाँ मुझे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और सचमुच रामतीर्थ की वाणी और उनकी आत्मीयता का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि व्यक्ति स्वामी रामतीर्थ का घनिष्ठ मित्र बन गया। मित्रता की चाह प्रत्येक मनुष्य को होती है, पर वह ठहरती उन्हीं के पास है जिनका हृदय शुद्ध होता है। जिसे सच्ची मैत्री उपलब्ध हुई उसे सौभाग्यशाली ही कहेंगे। अमेरिका के किसी पत्रकार ने धन कुबेर हेनरी फोर्ड से पूछा, क्या आपके जीवन में ऐसी भी वस्तु है जिसे आप प्राप्त न कर सके हो? हेनरी फोर्ड ने उत्तर दिया, यदि मुझे अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़े तो मैं मित्रों की तलाश करूंगा। मेरे धन ने मुझे मित्रों से नहीं मिलने दिया। धन या कोई और वस्तु देकर मैत्री खरीदी नहीं जा सकती, मनुष्य के गुण देखकर वह स्वयं मिल जाती है। मनुष्यों के लिए एकाकी जीवन बहुत कठिन है। सामान्य स्तर के व्यक्ति के लिए मित्रों की आवश्यकता रहेगी, उसके बिना वह अपने मन का भार हल्का न कर सकेगा। दुख दूसरों के सहारे बिना बहुत भारी पड़ता है। मित्रता व्यक्ति समाज की व्यवस्था एवं प्रगति के लिए एक आवश्यक तत्व है। एकाकीपन के कष्ट से बचने के लिए, जीवन व्यापार में सहयोग देने के लिए, सुख दुख में अभिन्न साथ के लिए मनुष्य को मित्रों, दोस्तों तथा साथियों की आवश्यकता रहती है। मित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है हृदय की विशालता, उदारता और महानता। इसके कारण विपत्ति और गरीबी में भी मनुष्य को मित्रों की कमी नहीं रहती। हृदय की इस विकसित अवस्था में जंगल में भी मित्र मिल जाते हैं, पशु पक्षी भी मित्र बन जाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सिसरो ने लिखा है, इस संसार में मित्रता से अधिक कुछ भी मूल्यवान नहीं है मनुष्य के लिए। महात्मा गांधी के शब्दों में, सच्चे मित्र मिल जाना मनुष्य के लिए दैवी वरदान है। मित्रता जितनी बहुमूल्य है उतना ही इसे पैदा करना, स्थिर रखना, सदा सदा कायम रखना भी कठिन है। मित्रता को स्थिर रखने के लिए एक दूसरे के व्यक्तिगत स्वाभाविक दोषों को गौण समझना पड़ेगा, अन्यथा दोष दर्शन, आपसी छींटा कसी, आरोप प्रत्यारोप से तो मित्रता की मूर्ति ही टूट फूट जाएगी।
मित्रता को स्थिर रखने का पूर्ण आधार है मित्र के सद्गुणों की खोज करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है सहिष्णुता और उदारता की। अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड, अर्थात मुसीबत के समय काम आने वाला, साथ निभाने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मित्र या आदर्श साथी हुआ करता है। इससे स्पष्ट है कि आदर्श मित्र और मित्रता को परखने वाली वास्तविक कसौटी मुसीबत या आपातकाल ही हुआ करती है। इस संबंध में रहीम का दोहा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सुख संपदा में सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे देही सांचे नीत। मित्रता के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के मतभेदों को मैत्री संबंधों के बीच उत्पन्न न होने दिया जाए। मैत्री संबंधों में परस्पर का व्यवहार बर्ताव इतना खुला हुआ होना चाहिए कि किसी को भी एक दूसरे पर शंका ना हो सके। मित्रता दो व्यक्तियों का हार्दिक संगम है, उनका आंतरिक जीवन अत्यंत नजदीक होता है तो उससे प्रेरित बाह्य जीवन भी। सच्चे और आत्मीय मित्रों का पाना वास्तव में सच्ची संपत्ति है। हजारों लाखों मेल मुलाकातियों में आदर्श मित्र तो कोई एकाध ही हो सकता है, शेष सभी तो मात्र दुनियादारी निभाने वाले ही हुआ करते हैं। आज के प्रतिकूल युग में मनुष्य को मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। किसी अनुभवी ने ठीक ही कहा है, हे परमात्मा मुझे मित्रों से बचा, शत्रुओं से मैं अपनी रक्षा आप कर लूंगा। शत्रु से अपनी रक्षा कर लेना सरल है, किंतु मित्र वेश में छिपे हुए शत्रु से रक्षा करना मुश्किल है। कोई भी बेचारा भावुक ऐसा भोला एवं भोला व्यक्ति उनके इंद्रजाल में फंसकर मारा जाता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज नकली होती जा रही है, मित्र भी नकली होने लगे हैं। इसलिए मित्रता स्थापित करने में लोगों को आवेगपूर्ण भावुकता से काम नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो कम से कम मित्र बनाएं, उन्हें अच्छी प्रकार से समझ परख लें। मित्र बनाने में एक सीमा से ज्यादा उदारता बरतना, अपने चारों ओर छद्म वेश में छिपे हुए शोषकों तथा शत्रुओं को इकट्ठा करना है। अनेक चालाक लोग अपना मतलब बनाने के लिए संपन्न, सुशील, भावुक तथा उदार मना व्यक्तियों के मित्र बन जाया करते हैं। अपना वक्त काटने तथा मनोरंजन करने के लिए उनके पास जा पहुंचते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो मित्र बनकर निर्व्यसनी व्यक्तियों को व्यसनी बना डालते हैं, और इस प्रकार भोले भावुक व्यक्तियों को न जाने कितनी चारित्रिक तथा आर्थिक हानि पहुंचाया करते हैं। जीवन में मित्रों का होना अनिवार्य है, किंतु इससे भी बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि किसी से मित्रता स्थापित करने में अधिक से अधिक सावधानी तथा सतर्कता रखी जाए। शत्रु की घात एक बार विफल हो सकती है, किंतु आस्तीन के सांप बने मित्र की घात कभी विफल नहीं होती। इस पवित्र तथा हार्दिक संबंध के लिए वे ही व्यक्ति उपयुक्त माने जाते हैं जा सकते हैं जो स्वभावतः सज्जन हो। युवकों हमें अपने को भी इसी स्तर का बनाना चाहिए कि जो हमसे मित्रता करे उसे अपने सौभाग्य की सराहना करनी पड़े। सज्जनता और शालीनता ही सच्ची मित्रता का प्रयोजन पूरा करती है। इसलिए मैत्री का आनंद एवं लाभ लेने अथवा देने वाले व्यक्ति में इन श्रेष्ठताओं का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पारिवारिकता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता, व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। परिवार वह खदान है जिसके सही होने पर उसमें से नर रत्न निकल सकते हैं और देश को हर दृष्टि से गौरवान्वित कर सकते हैं। समाज का विशाल स्वरूप परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है।
परिवार एक छोटा समाज एवं राष्ट्र है, उसकी सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े रूप में संपूर्ण समाज की परिवार को आत्मविस्तार की छोटी किंतु सशक्त प्रयोगशाला माना जा सकता है। इस छोटे कुटुंब से स्नेह, सद्भाव, सहकार, आत्मीयता का प्रारंभिक पाठ पढ़कर मनुष्य विश्व कुटुंब की ओर बढ़ता है। इस छोटी प्रयोगशाला में उपर्युक्त सारे गुणों का विकास कर मनुष्य आत्मोन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यह एक ऐसी पाठशाला है जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य को कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने और निभाने की शिक्षा मिलती है। हमें अपने परिवार में सुव्यवस्था रखने में पूरी पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए और यथासंभव स्वयं समय देना चाहिए। हर व्यक्ति और हर वस्तु स्वच्छ रहे, प्रत्येक सामान यथास्थान साफ सुथरा और कायदे से रखा जाना चाहिए। टूट फूट सुधारने, मरम्मत करने एवं रंगाई पुताई सुसज्जा की कला घर के सब वयस्कों को आनी चाहिए और छोटे छोटे कामों में बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। दिनचर्या बनाकर घर के काम निपटाए जाएं। घर के किसी छोटे बड़े सदस्य पर श्रम का अनावश्यक दबाव न पड़े। छोटे बच्चों को, खासकर जब वे अपनी छात्रावस्था में हों, उन्हें स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ सद्गुणी और स्वावलंबी बना देना ही अभिभावकों का कर्तव्य है। जो परिवार त्याग, उदारता, सहयोग एवं स्नेह के आधार पर एक ही मत, एक ही भावना की डोर से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और जिनमें अनुशासन, शिष्टाचार, सदाचार, नियम एवं मर्यादाओं का यथोचित पालन किया जाता है, उनमें सभी सदस्य सुख शांति के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकने का अवसर पा सकते हैं। जिन परिवारों को में दिन रात कलह क्लेश और स्वार्थपूर्ण हाय तौबा मची रहती है, वे स्वभावतः पतन की ओर जाएंगे ही। परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। परिजनों को कूप मंडूक नहीं रहने देना चाहिए। घर में आस्तिकता का वातावरण रहना चाहिए। यहाँ एक देवस्थान अवश्य हो जहाँ सभी सदस्य नमन वंदन करें। घर के सदस्य अपने अपने कामों में ही व्यस्त न रहें, वरन एक दूसरे को सुनने, समझने तथा सहयोग देने की स्थिति में भी रहें। ऐसी परंपराएं पुनः प्रचलित करनी चाहिए। अधिक पढ़े कम पढ़ों को पढ़ाएं, साथ खेलें, साथ टहलें, जिसे जो आता हो वे दूसरों को सिखाएं, भोजन साथ साथ करें, बीमारी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें, शिष्ट संबोधन हो, मतभेद और विरोध संघर्ष के अवसर आने पर भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिया जाए, अपव्यय किसी को न करने दिया जाए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए चाहे जितना खर्च करो किंतु विलासिता, ऐयाशी और शान शौकत के नाम पर फिजूल खर्ची न हो। विचार स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, न किसी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगे और न कोई उद्धत उत्सृंखलता बरते, तभी परिवार में सुसंतुलन रह सकता है। परिवार को एक सहयोगी समिति के रूप में विकसित करना चाहिए। बड़े बूढ़े भी खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समझे, वरन सामर्थ्य भर श्रम करते हुए परिवार के विकास में समुचित योगदान करें। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ मरना अपने बच्चों का पतन हनन करना है। उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी बनाया जाए और अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करने पर स्वाभिमान अनुभव करने दिया जाए। सामाजिकता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग से ही व्यक्तियों को सुखी समुन्नत बनने का अवसर मिलता है। एकाकी, उन्नति,
अपनी ही क्यों ना कर ली जाए। विकृत परिस्थितियों में घिरे समाज में रहकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता। हमें अपने को समाज रूपी घड़ी का एक पुर्जा भर मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियां ऐसी रखें जिसमें घड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे। इसके लिए हमें सामाजिक मर्यादाओं और नागरिक कर्तव्यों का सतर्कता पूर्वक पालन करना चाहिए। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो हम दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेक्षा करते हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरे उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी न अपनाई जानी चाहिए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध से संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रचलित अनैतिकताओं, कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन करते रहा जाए। मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर मात्र उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाए। यह चेतना लोकतंत्र के हर मतदाता में पैदा की जानी चाहिए। शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुजता, सामूहिकता और नागरिकता की प्रवृत्तियां सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनानी चाहिए। व्यक्तिवाद के प्रति उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का समाज ही समुन्नत होता है और उसके सदस्य सुखी रह सकते हैं। व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा निजी व्यक्तित्व के स्तर को भी साधना संभारना चाहिए। व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न उसका स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। समाज में रहना और समाज में रहकर अपना तथा समाज का विकास करना ही उसकी नियति है और समाज में रहते हुए ही उसका व्यक्तित्व कठिन होता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, पद, मनोरंजन की जो भी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं उसके लिए हम समाज के ऋणी हैं। समाज का सहयोग यदि न मिला होता तो एकांगी रहकर इन विभूतियों को प्राप्त कर सकना कदाचित संभव नहीं होता। इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों ने, समाज ने उसके विकास में जो सहयोग दिया है उसका बदला चुकाने के लिए समाज निष्ठा का विकास करें। निरंतर स्वार्थ और लालच की संकीर्णताओं में रहते हुए यदि अमीरी और संपन्नता प्राप्त कर भी ली जाती है तो अहितकारी ही सिद्ध होती है। उससे व्यक्तिगत जीवन में अशांति और सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्तता के परिणाम ही पनपते देखे जाते हैं। अतएव आवश्यक है कि अपने साथ रहने वाले स्वजनों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति भी कौटुंबिकता की भावना जगाई जाए और संकीर्णता के दायरे से बाहर निकला जाए। राष्ट्रीयता कर्तव्य धर्मों में तीन प्रमुख माने गए हैं, वैयक्तिक धर्म, समाज धर्म और राष्ट्र धर्म। वैयक्तिक धर्म व्यक्ति की सुख सुविधा और विकास हेतु होता है। समाज धर्म में व्यक्ति और समाज की प्रगति की बात सोची जाती है, जबकि राष्ट्र धर्म में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों की उन्नति निहित होती है। अतः सिर्फ एक राष्ट्र धर्म के पालन से शेष दोनों धर्मों का निर्वाह स्वतः होता रहता है। इसलिए तीनों धर्मों में राष्ट्र धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अस्तु तन मन धन, श्रम साधन व्यवसाय, विचार कला विज्ञान और धर्म अध्यात्म के प्रसार द्वारा राष्ट्र की सेवा करना, उसकी सुख शांति और समृद्धि प्रगति बढ़ाने का
निष्ठापूर्वक प्रयास करना यह राष्ट्र धर्म है। इसे आज का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। मनुष्य जिस राष्ट्रभूमि की गोद में पलता बढ़ता विकास करता है, जिसकी संस्कृति से जीवन को सभ्य सुसंस्कृत बनाता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसके अनेकानेक उपकारों अनुदानों से अनुग्रहित होता वह प्रगति करता है, उस राष्ट्र के प्रति हमारा भी कर्तव्य होता है कि उसके उन्नयन विकास की बात सोचें और ऐसी रीति नीति अपनाएं जिसमें सबका हित समाहित हो। तभी हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र के उस ऋण से ऋण हो सकते हैं जो जीवन भर हम पर लदते रहते हैं। ऋण किसी प्रकार का हो, उसे चुकाने में ही कृतज्ञता मानी जाए। मातृभूमि को जननी के समतुल्य माना गया है। जिस दो के हम नागरिक हैं, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, साधन सुविधाएं दी और मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, मातृभूमि को जननी के समतुल्य माना गया है। जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, साधन सुविधाएं दी और मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, वह भूमि निश्चय ही माँ कहलाने योग्य है। तभी तो अपने देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। माँ की मदद यदि शिशु को आरंभ में न मिले तो क्या वह जीवित रह पाएगा? कदाचित रह भी जाए तो वह अनगढ़ और असभ्य होगा। यही बात मातृभूमि के संबंध में भी कही जा सकती है। मनुष्य जिस देश का नागरिक होता है, वहीं उसे प्रथम शिक्षा मिलती है। उसके निर्माण, प्रगति, समृद्धि में उस राष्ट्र की ही साधन संपदा काम आती है और उसी से वह एक सुयोग्य नागरिक बन पाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जननी और जन्मभूमि को एक ही श्रेणी में रखते हुए उन्हें स्वर्ग से भी महान बताया गया है, क्योंकि स्वर्ग में तो सिर्फ आनंद लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि माँ और मातृभूमि के समीप रहना स्वयं में आनंददायक तो होता ही है, वह सुयोग्य संतान और नागरिक भी गढ़ती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिन कार्यों से युग धर्म का निर्वाह होता हो, देश प्रगतिशील बनता हो, समाज में एकता, समता, स्नेह, प्रेम की आधारशिला खड़ी होती हो, उन सबको राष्ट्र धर्म माना गया है। हर व्यक्ति को ऐसे कार्यों में संलग्न होकर सेवा धर्म का निर्वाह और राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। इसे आपत्ति काल का सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ माना गया है। कमाने खाने और उलझनों को सुलझाने में लोग पूरी जिंदगी ही समाप्त कर देते हैं। ऐसे अवसर किन्हीं बिरलों के ही जीवन में आते हैं, जिनमें जीवन की सार्थकता का सौभाग्य प्राप्त होता हो। मौत हर किसी की आती है। देर सवेर में सभी को मरना पड़ता है, पर लोक और परलोक को प्रशस्त करने वाली, यश को अमर बनाने वाली, कर्तव्य पालन के आदर्श संसार के सामने उपस्थित करने वाली मौत किसी भाग्यवान को ही मिलती है। जिनके नाम शहीदों की स्वर्णिम पंक्तियों में इतिहासकारों ने लिखे हैं, उन्हें पढ़ते समय हर भावनाशील अंतःकरण में ये विचार उठते हैं कि काश हमें भी ऐसा अवसर मिला होता तो मनुष्य शरीर धारण करना धन्य हो जाता। सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्रता का लाभ तभी है जब हम प्रत्येक दिशा में विकास की समुचित व्यवस्था जुटाएं। प्रसन्नता की बात है कि उस दिशा में कुछ प्रयत्न हो भी रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि औद्योगिक विकास से
खूब अच्छी अच्छी वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था होने लगे, कृषि में विकास हो, उपज बढ़े, स्वास्थ्य और आरोग्य के साधन बढ़ें, वैज्ञानिक शोधों में हिस्सा लें। साथ ही एक बात इनसे भी आवश्यक है और वह है राष्ट्र के चरित्र उत्थान की। भौतिक समृद्धि के साथ नैतिकता का आवाह न किया गया तो वह स्थिति हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। व्यक्ति व्यक्ति से ही समाज बनता है। जिस समाज के लोग परिश्रमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं आदर्श प्रिय होंगे, वह अपने आप उत्तरोत्तर उन्नत होता चला जाएगा और राष्ट्र के विकास का वातावरण निखरता हुआ चला जाएगा। समाज एवं राष्ट्र के हित में व्यक्ति का हित भी सुरक्षित है। समाज शास्त्र का यह सिद्धांत 100% सही है। उतना ही सच यह भी है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के समक्ष सामूहिक एवं राष्ट्रीय हितों को बलि देने वाले समाज का अधः पतन सुनिश्चित है। ऐसा राष्ट्र समाज जहां सहानुभूति से पूर्ण हृदयों की गंगा बह रही हो, वहां का मानव जीवन कभी बंजर नहीं हो सकता। प्रेम और दया के उच्च स्तरीय वातावरण में राष्ट्र फलते फूलते हैं। हमारे लिए तो वह समय इतिहास है। भारत का अतीत सौजन्यता, दया और प्रेम की प्रतिकृति रहा है। इसी से वहां का राष्ट्र जीवन भी खुशहाल रहा है। आज की परिस्थितियों में उन शक्तियों का अवतरण पुनः संभाव्य है जो पहले थी और विकास तथा विश्व शांति के लिए अब जिनकी सर्वोच्च आवश्यकता है। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है।